फिरोजपुर में आपस में भिड़े अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता, चली गोलियां, पत्थरबाजी के साथ कई गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान, नॉमिनेशन रुका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया धरना। टारगेट किलिंग मामले में पहाड़ सिंह, रहदीप, रमनदीप को मोहाली कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजा, तो धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुन्नी को मिली 2 दिन की एनआईए रिमांड। फिर सरगर्म हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, लंदन के मेयर सादिक खान ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा माफी मांगे ब्रिटिश सरकार। अमृतसर जेल में बंद पाकिस्तान के मूक बधिर बाल कैदी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लगाई गुहार, विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा पंजाब सरकार से लेंगे रिपोर्ट। पराली जलाने के मामले में एनजीटी कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, पूछा पराली के समाधान का क्या है प्लान, मामले में कल फिर होगी सुनवाई। शिमला की मॉडल सेंट्रल जेल से फरार 3 कैदियों के मामले में लापरवाही के आरोप में ड्यूटी पर तैनात 2 संतरी सस्पेंड, डीजीपी ने एसपी जेल को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। गुरदासपुर के शहीद पलविंदर सिंह की शहादत को सलाम, पैतृक गांव रायचक में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, श्रीनगर के खन्नेवाला सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में देश के लिए हुए थे कुर्बान। श्रीनगर के लाल चौक पर पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ता को तिरंगा फहराने से रोका, फारूक अब्दुल्ला ने दी थी लाल चौक पर झंडा फहराने की चुनौती।